वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत माना हम आज बात कर रहे हैं नजरुद्दीन शेख साहब से फॉर्म अ फॉरन सेक्रटरी फॉर पाकिस्तान सर अब फिर अब साख की जो ये वाली समिट है इसकी तरफ अगर आएँ इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप से हमने एक हमने एक डिटेल में बात कर ली जब इंडिया के सामने या पाकिस्तान के सामने जब एक ऐसी गवर्नमेंट नजर आती है कि जिसका टैनियर या तो ज़्यादा लंबा चलता हुआ नजर ना आ रहा हो या जिसकी पॉपुलैरिटी आवाम के अंदर इतनी ज़्यादा ना नज़र आ रही हो या जो अपने लास्ट लेग्स पे लगे या फिर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं जो कि थोड़े पपिट लगें तो आप समझते हैं कि फिर डायलॉग वाकई में किसी किसी इम्पोर्टेंस का हो सकता है या फिर बस ये ऑप्टिक्स के लिए होता है कि जी मिल लिए इंडियन प्रीमियर और पाकिस्तानी प्रीमियर देखिए इसमें इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इस खत्ते पे नज़र न सिर्फ़ ख़ते के ममालिक है लेकिन बहुत सारे और ममालिक भी है खून नीटो और यूसीफ़ के जो ममालिक हैं जिनको एक दिलचस्पी है कि पाकिस्तान में इसकाम रहे पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पर वो अफ़गानिस्तान में उनके साथ पूरी तरह से ताउन कर सकें और पाकिस्तान में से और अफगानिस्तान में से जब अमेरिकन ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स निकलें 2014 तक तो वहाँ पे भी इसकाम हो और उसकाम इस को लाने में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा तो उस वक्त आ, हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे पाकिस्तान में तश्वीश पैदा होगी तो वो उनके दूसरे दोस्त जो हैं नेटो में हैं या अमेरिका में हैं आ, उनको एक तकलीफ होती है जिसको आ, आ, हिंदुस्तान को मद्द नज़र रखना ज़रूरी है तो ये ये एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर वो है जिसका आपने जिक्र किया कि वो ये एक जजमेंट करें आ, कि पाकिस्तान में जो अभी क़़त है उनके साथ बात करने से किसी किस्म ठोस नतज पर पहुँच भी सकते हैं या नहीं पहुँच सकते मुझे लगता है कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान उसमें क़्यादत का का किरदार पाकिस्तानी क़्यादत का, का किरदार कम रेलोवेंट है ज़्यादा रेलोवेंट ये है कि ये मसले पुराने हैं इन आ, मसलों की पहले से हल ढूँढे गए हैं उन हल पे अब आगे बढ़ने के मौके हिंदुस्तान के पास हैं अगर वो उस उस रुख पे चलेगा तो यहाँ पे माहौल बदलेगा और वो जो 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 बातचीत बात की जाती है कि साहब इस हुकूमत के साथ हम किस किस्म के रवैया अख्तियार करें इस अवाम के साथ किस किस्म का रवैया अख्तियार करें तो रवैये रवैया अवाम का बदल जाएगा अगर ये नज़र आया कि सचमुच पेशरफ हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में अब मैं पहले आपसे जो बात कर रहा था कि उन्नीस में जब बातचीत शुरू हुई थी तो हमने एक ऐट पॉइंट एजेंडा बनाया था उस एट पॉइंट एजेंडा में जो भी नुकात थे उस पर अगर कुछ हल होते तो वो दोनों ममालिक के लिए बेहतर थे तजारत बढ़ाना दोनों ममालिक फ़ायदे में है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस करना दोनों के ममालिकवायद में है फ़ायदे में है लेकिन ये देखा जाता है पाकिस्तान में कि ये चीज़ें वो हैं जो कि हिंदुस्तान करना, करना चाहता है हमारी दिलचस्पी अगर सियाचिन में है या सरक्रीक में है तो इन दोनों में भी हिंदुस्तान का फ़ायदा है क्योंकि अगर सियाचिन पे हमारा माहा हो जाता है तो वहाँ पे उनकी ट्रूप्स जो फ्रॉस बाइट से और दूसरी चीज़ों से सफ़र कर रही हैं या हमारे यहाँ जो इस इस किस्म के अखराजात हो रहे हैं सियाचिन में वो ख़त्म हो जाएंगे या अगर सिरक्रीक पे हमारी एग्रीमेंट होती है तो हमारी मैरिटाइम बाउंड्री यानी समंदरी सरहदें भी तय हो जाएंगी और फिर उनकी तरफ वो कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे हम अपनी तरफ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे और ये पिछले 20 साल से रुका हुआ है क्योंकि बॉर्डर डिफाइन नहीं है अब हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहते जहां पे इंटरनेशनल लॉ कमीशन ऑफ द सी फैसला करे कि हमारे बाउंड्री क्या होनी चाहिए लेकिन इन चीज़ों पर पे पेशर अगर होगी दोनों के लिए फ़ायदे में है लेकिन देखा यह जाएगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से आइटम्स हैं एजेंडा पे और इन पर पे पेश रफ्त करें तो फिर माहौल बदले और माहौल बदलेगा तो फिर हम कश्मीर पे भी ठोस बातचीत कर सकेंगे तो इस इन चीज़ों को हमें मदन नज़र रखना चाहिए कि हमारी ये इस पर मुनसर नहीं है कि क़्यादत पाकिस्तान में किस नौत की नज़र आती है क्या ये डिलीवर कर सकती है या नहीं क्योंकि जो चीज़ें हैं जिस पर डिलीवरी की ज़रूरत है वो अभी बड़ी चीज़ें हिंदुस्तान की तरफ हैं हमारी तरफ भी हैं ज़रूर हिंदुस्तान की जो जो शिकायत है दहशत गर्दी के सिलसिले में उसको उस पर हमारे हमारी तरफ से ठोस थो, ठोस इकदाम होने चाहिए न सिर्फ़ वजह से क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है लेकिन क्योंकि ये हमारी अपनी सालमियत के लिए ज़रूरी है अब उसके लिए आपकी अंदरूनी सूरत हाल को सुधारना पड़ेगा और ये आपकी अंदरूनी जो स्ट्रगल है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसका एक अहम हिस्सा है इसमें क़्यादत का हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ता रहता है क्या नहीं रहता है उससे ज़्यादा अहम ये है कि आपकी अंदरूनी सूरत हाल को सुधारने के लिए और उसको ठीक करने के लिए इस पर इकदाम करना ज़रूरी है सही शेख साहब मैं मैं आपसे अब एक, एक ज़रा नॉन टेक्निकल सवाल पूछने की कोशिश करूँगा जवाब आप उसका जैसे भी देना चाहें देते दे, ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आपने तर्जुमानी करी जित जिनकी काफ़ी दिनों से हमारे सारे करंट अफेयर्स चैनल्स पे तर्जुमानी हो रही है उसका जवाब पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बढ़ाना ताजरों की रिलेशनशिप बढ़ाना ये सब ठीक सर लेकिन अगर मैं आज की पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के बारे में बात करूं या इंडीड 1999 नाइनटी टू थाउजेंड की पीपल टू पीपल की रिलेशनशिप की बात करूं कि जबकि दोनों रियासतें जंग के ऊपर खड़ी थी बल्कि जंग हो रही थी एक एक कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर हो रही थी सर हाइस्ट रेटेड चैनल पाकिस्तान में एक इंडियन इंटरटेनमेंट चैनल है और था हाइस्ट वॉचड मूवीज़ पाकिस्तान में इंडियन बनाई गई हैं जिनके अंदर हमारे पाकिस्तानी ताजर अपने इश्तहार लगा के उनको डी वी डीज पर बर्न करके बेचते हैं हमारी ही को अगर इंटर इंटीग्रेशन के बारे में और ताजर जो है हमारा और उनका ताजर वो अगर मुनाफा देखता है और सिर्फ मुनाफा देखता है तो दैट इज़ वॉट कैपिटलिज्म डिक्टेट्स और वो तो ज़ाहिर खुश होगा कि जब उसकी ऑडियंस के अंदर हमारी तरफ से एक बिलियन का और इजाफा हो जाएगा उनकी तरफ से एक सौ अस्सी मिलियन का इजाफा हो जाएगा आप समझते हैं कि अगर ये रियालिटीज़ हैं कि हमारी इंटीग्रेशन में जो एक प्रॉब्लम है मेजर प्रॉब्लम वो ये है कि हम समझते हैं कि हम इंटीग्रेटेड नहीं हैं तो आप समझते हैं ये कॉन्स्ट्रकट ही हमारी स्टेट का है ये जो इतने सारे इशूज़ हैं देखिए ये इसमें इसमें आपसे मुझे इतफाक़ करना होगा कि जो हम कहने की कोशिश करते हैं और ये हमारी अपनी आइडेंटिटी का मसला है हनाख हाँ, का क्या मसला है कि हम जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान वजूद में आया था कि साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए एक होमलैंड होगा जिसमें मुसलमान आ, अपनी तरक्की कर सकते हैं तरक्की इकतसादी तरक्की कर सकते हैं आ, सकेंगे जो कि जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में मुमकिन नहीं होता क्योंकि अस्करीत जि, जिस आ, आ, कम्युनिटी की थी हिंदू कम्युनिटी की थी उनके साय में मुसलमान फल आ, फूल नहीं सकता था ये थी रैशनल पाकिस्तान के लिए अब हम अब बहुत चैनल्स पे आप यही सुनेंगे कि साहब पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया मेरे मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान वजूद में आया क्योंकि पाकिस्तान कायद अजम के, के दिमाग में ये ख्याल था कि मुसलमानों को अगर इकतसदी तरक्की करनी है तो वो सिर्फ़ उस इलाक़ों में कर सकेगा जहाँ पर उसकी अस्करियत है और जिसपे वो एडमिनिस्ट्रेशन इस नोयीत की बनाएगा जहाँ पर मुसलमानों को किसी किस्म का एज मिलेगा ये था आ, पाकिस्तान के लिए लेकिन हमने चूँकि इसको आ, इस आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की आ, और उसको हमने ये कोशिश की कि या तो हम मशरक़ वस्ती का हिस्सा हैं या हम आ, आ, और किसी पहलू पे पहुंच जाएंगे बन इसके कि हम साउथ एशिया का हिस्सा हैं एक इंडिपेंडेंट हिस्सा हैं एक बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हिस्सा हैं तो उसकी वजह से हमें यह तकलीफ़ होती है ये ख़ुद मुख्तार हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बहुत सारी शेड शेड वैल्यूज़ नहीं है शेड कल्चर नहीं है क्योंकि जिस जिस चीज़ को हम मुसलमान कल्चर कहते हैं साउथ एशिया का उसमें बहुत सारे पहलू उस कल्चर में वो आए जो कि हिंदुओं के थे मुसलमानों की हु, हुकुमरानी हुई हिंदुस्तान में उससे पहले की और आ, इसकी वजह से अब अब ये कहना कि नहीं हमारा हमारा कल्चर जो है हमारी तहजीब जो है वो सब तुर्की से आई या ईरान से आई या सेंट्रल एशिया से आई ये आ, सच से बहुत दूर है और इसकी वजह से हमें ये ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है इस आइडेंटिटी क्राइसिस से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हम साउथ एशिया का हिस्सा हैं और साउथ एशिया में बहुत सारे पहलू so, हैं, जो एक जैसे हैं कलामी की आप <coughs> ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा तारीख का सिलेबस होता है हमारे स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने वो बीच बोया महमूद गजनवी ने वो जो कि एक मरोडर थे एक लूटर थे उन्होंने इस बीच को मजीद तकवीत दी और पानी डाला और फिर हम एक ज़िंदा कौम उस वक्त से बने हुए थे और हमने फाइनली 1947 में आज़ादी पा ली ये जो हर पाकिस्तानी स्कूल जाने वाले बच्चे को पढ़ाया जाता है ये भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा है सर ये भी एक इस्टेबलिश्ड ऑर्डर की फ़रूख का हिस्सा है देखिए देखिए कोई कौम कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती अगर वो अपने सच को अपने सामने न रखे आप किसी ये ये डिप्लोमेसी के लिए भी सही है यह सियासत के लिए भी सही है कि अगर आप जो हकैक हैं उनको तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर आपके फैसले आ, हकीकत पर मबनी नहीं होंगे और अगर हकीकत पर मबनी फ़ैसले नहीं करेंगे तो फिर आपसे गफलत और गलतियाँ ज़रूर होंगी सही शेख साहब अगर मैं एक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं क्योंकि ये डिवीज़न ये पार्टीशन और ये दुश्मनी इस्लाम के नाम पर और हिंदुज़म के नाम पर अगर की गई थी सर इंडिया में भी कम्युनल राइट्स होते हैं और बहुत बुरे स्केल पे होते हैं लेकिन ये अभी हालिया ईद की छुट्टियों के दौरान तीन हिंदू डॉक्टर्स को मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे आप समझते हैं कि इस वक्त का हिंदुस्तान अपने सेकुलरिज्म में ज़्यादा कामयाब है बनस्बत पाकिस्तान और अपने इस्लामिज़म में जितना पाकिस्तान कामयाब है देखिए मैं हिंदुस्तान आ, हिंदुस्तान में कॉम्यूनलाजम एक मसला है आ, और गुजरात में रायट्स हुए अभी अभी हमने आ, कल परसों मैंने रिपोर्ट देखी कि, कि कुछ और हिंदुओं को सज़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने उन रायट्स में हिस्सा लिया था और जो 6000 के करीब मुसलमान मारे गए थे उन रायट्स में उन उनकी जवाबदारी उनकी जवाबदारी इन लोगों पे सौंपी गई है कुछ हिस्से सौंपे गए हैं और उनकी वजह से उनको सज़ा मिली है हमारे यहाँ जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है वो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान कम और तवायफ की कहानी ज़्यादा है जो के जो के हमारे यहाँ बदकिस्मती है हमारी कि अब वायलेंस हमारे हमारे माहौल का एक हिस्सा बन गया है अगर ये हिंदू डॉक्टर न होते अगर ये मुसलमान डॉक्टर भी होते और उन्होंने किसी लड़की किसी लड़की को लाए होते रक्स के लिए जो के और कोई ले जाना चाहता था तो शायद इसी किस्म का वाक्य उनके साथ भी होता लेकिन इसको ऑबियसली ये कम्युनल रंग दिया जाएगा और हिंदू एसोसिएशन ने तो इस पर हड़ताल की भी थ्रेट दी हुई है और कुछ लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं मुझे उम्मीद है कि जिनको हिरासत में लिया गया है उनको सज़ा होगी लेकिन अगर आप बड़ा पिक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ अक्लियतियों के साथ जो बर्ताव होता है वो अच्छा नहीं है हिंदुस्तान में भी अकलीतियों के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो अच्छा नहीं है लेकिन हमसे किसी कदर बेहतर है और उनके यहाँ जमहूरीत का एक हिस्सा ये बना है कि इसकी तरफ कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं कुछ और चीज़ें की जा रही हैं जैसे कि गोदरा राइट्स के बाद की का मैंने ज़िक्र किया कि गुजरात में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर कुछ लोगों को सज़ाएँ मिल रही हैं और जैसे पहले हुआ कि उन्नीस में इंदिरा गांधी के वफात के बाद जो सिखों के साथ ज़्यादतें हुई किसी को सज़ा नहीं मिली अब अब उस उस उनका माहौल कुछ बदल रहा है उम्मीद ये रखी जा सकती है कि पाकिस्तान में भी अगर हमने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी पर कुछ काबू पाया तो हमारे यहाँ भी हम अखिलतियों की बेहतर हिफाजत कर सकेंगे और उनको बिल्कुल पाकिस्तानी होने के नाते जो उनके हुकूक बनते हैं वो उनको दिए जाएंगे और उन पर इस किस्म की ज्यादतियाँ नहीं शेख साहब एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क और एक इमर्जिंग थर्ड वर्ल्ड पावर अगर दोनों तीसरी दुनिया के मुल्क जिनमें से एक के अंदर दुनिया की वन सिक्स पॉपुलेशन रहती है करीब अठारह सत्रह अठारह फीसद पापुलेशन एक मुल्क में रहती है अगर ये लोग अपने अंदर दोनों के अंदर अगर शरावी के अंदर भी ज़्यादा इजाफे की ज़रूरत है अगर वहाँ पर गुरबत की लकीर से नीचे भी पॉपुलेशन की अक्सरियत रहती है अगर प्रैक्टिकली नहीं तो रियालिटी में सर इन लोगों को ये ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक दूसरे पे कोल्ड स्टार्ट प्लान कर रहे हैं तो दूसरे जो हैं वो वेटिजिक डेप्थ प्लान कर रहे हैं और अपने पड़ोसी नेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए उसी अलम के नीचे जिस जिसम के नीचे चार डिज़ास्टर्स हो चुके हैं आप समझते हैं कि ये हम अफोर्ड कर सकते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते और ये मैं आपको बताऊँ कि जहाँ तक बयान का सिलसिला है या जहाँ तक रिटर्न कॉरस्पॉन्डेंस का सिलसिला है इसमें हमेशा दोनों ममालिक की तरफ़ से इसी किस्म की बयान दिए गए हैं इसी किस्म के ख़तूत लिखे गए हैं जब दो हज़ार एक में आगरा की दावत मिली थी प्रेसिडेंट मुशरफ साहब को तो जो ख़त लिखा था वाजपाई साहब ने उसमें लिखा था द काम एनमी इज़ पावर्टी गुरबत दोनों ममालिक का एक मुशतरक दुश्मन है आ, जो जवाब गया था उसमें भी इसी पे जोर रखा गया था कि हम दोनों के की जो दुश्मन हैं हम दोनों के मसाइल जो हैं वो एक ही नौीय के हैं और हम मिल के इनका हल ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है तो इस किस्म की इस किस्म की एहसास तो है लेकिन इस एहसास को ट्रांसलेट करके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कैसे किया जाए इस पर हम रुके हुए हैं और इस रुकावट के लिए आप ये भी देखिए कि हमारी जो तारीख रही है वो सुनहरी बाब नहीं है उसमें बहुत सारे काले चैप्टर्स हैं और वो काले चैप्टर कुछ खत्ते हैं हमारे अवाम के और कुछ खत्े हैं हमारे जिस चीज़ को आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जिन पर बहुत भारी बोझ है उनका और इसको हमें याद रखना चाहिए कि इस भारी बोझ को आहिस्ता आहिस्ता आ, हटाना होगा आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल के आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी देखिए इस ये अब एहसास होने लगा है कि हम पहले बात किया करते थे कि पाकिस्तान में साढ़े छः सात फ़ीसद रेट ऑफी ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ थी और हिंदुस्तान का हम कहा करते थे कि हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ थ्री परसेंट है अब, रेट अब ग्रोथ। बिल्कुल रिवर्स हो गया है हम कहा करते थे कि साहब एक पाकिस्तानी रुपए के एक हिंदुस्तानी रुपए मिलते हैं अब आपको सौ पाकिस्तानी रुपए के छासठ हिंदुस्तानी रुपए मिलते हैं ये ये जो रिवर्सल्स हैं इन इनसे इन, इन भी कुछ एहसास होना चाहिए कि भाई हम किस आ, तरफ जा रहे हैं और हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है और इससे भी एहसास होना चाहिए शेख साहब कि जब जीत भी रहे थे इस इस, इस पेडेस्ट्रियन इकोनॉमिक एनालिसिस में तो भी उसको हिंदू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे सर इफ देर इज सच अ थिंग मतलब एक रिलीजन तो सरमायादारी निजाम के अंदर इन्वेस्टेड नहीं होता मतलब ये हमारे थॉट प्रोसेस बड़े चाइल्डिश रहेंगे देखिए 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 ये ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमारे हमारी वोकेबलरी नहीं थी जी जी मैं समझता हूँ बिल्कुल मैं बिल्कुल ये समझता <laughs> हूँ जी और ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया था क्योंकि हमारे पास इस किस्म की इन्वेंटिवनेस नहीं थी ये ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से लोगों ने कहा था मैं मैं उसका सिर्फ इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि जिसको हम हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ कह रहे थे वो एक हद तक ये था कि उन्होंने सोशलिज्म को उस वक्त क्रीडो बनाया हुआ था और वो अपनी स्टेट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे थे और उस हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ वो में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा शामिल <coughs> थे मतलब उस हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान जो थे वो एक हिस्सा थे आ, नहीं देखिए देखिए हम हम हमें तारीख़ के दोनों पहलू देखने चाहिए देखिए हिं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज़्यादियाँ हुई आ, मैं 1977 में देखिए ये जो मैं आपको तारीख़ी बातें बता रहा हूँ उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ पे इसमें तरक्की हो रही है आ, लेकिन आ, याद रखना चाहिए कि माजी में क्या हो चुका है माजी में जब 1977 में आ, उनके यहाँ एलेक्शन होने थे तो कांग्रेस हारी इस बिना पे कि इंदिरा गांधी के बेटे ने ये स्टेरलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया था मुसलमानों के साथ कि मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ रही है उनका उनका कहना ये था कि हम स्टेरलाइजेशन जनरली करना चाहते लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिकली मुसलमान इलाक़ों में स्टेरलाइजेशन शुरू हुई और उसके साथ कांग्रेस जो हमेशा मुसलमानों की हिमायत पाया करती थी उन्होंने ये हिमायत खोई और जना पार्टी यानी जो के जो के उस वक्त मुरारजी देसाई के के अलाइस थे उनको मुसलमानों ने वोट दिया जहाँ जबकि जबकि ये सबसे एक्सट्रीम हिंदू पार्टी देखी जाती थी जो कि सियासत के मैदान में किसी किस्म की पोजीशन रखती थी उस वक्त उस वक्त वो बीजेपी नहीं कहलाती थी जानसंग कहलाती थी तो उस उनको वोट दिया था मुसलमानों ने तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की चीज़ें वहाँ भी हो चुकी हैं मैं फिर से दोहराऊँगा कि वहाँ पे अब तरक्की नज़र आ रही है और मुझे उम्मीद है कि उस उस किस्म की तरक्की हमारे पास भी होगी हमें भी ये एहसास होगा कि हमें अकलीतों की हिफाजत करनी है क्योंकि अकलीत हमारे यहाँ कम है लेकिन उनका एक हिस्सा है हमारी इकतसादी तरक्की में हमारी यकजहती में और उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में करने की कोशिश की जा रही है इसको पहचानते हुए कि उनके कॉन्डक्ट में भी खामियां रही हैं और हमारी कॉन्डक्ट में भी खामियां खामियाँ सही शेख साहब एम जे अकबर साहब संडे गार्डियन के एडिटर हैं इंडिया में उन्होंने किताब लिखी है टेंडर बॉक्स पाकिस्तान के पास प्रेजेंट के हवाले से और अपने ख्याल में जो उसका फ्यूचर होगा वो एक बात कहते हैं जिससे मैं अपना इतफाक़ तो नहीं जाहिर कर रहा लेकिन वो क्योंकि मैं कर नहीं सकता एकाउंड कॉमेंट ऑन इट मुझे दोनों तरफ का पता नहीं है वो फरमाते हैं कि इस वक्त आज जो पाकिस्तान और इंडिया में सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ बिगर दिन द इंडियन वैल्स द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट बिगर दिन द पाकिस्तानी यानी कि इंडिया जो, जो इंडिया का तस्वर एक रियासत का है वो इंडियन से बड़ा है लेकिन पाकिस्तान में ज़ियात और ट्राइब्स और ईमान और तकसीम पहले आ जाती है पाकिस्तान ज़रा बाद में आता है आप कमेंट करना चाहेंगे इस देखिए देखिए अभी अभी हमारी हमारी अंदरूनी सूरत हाल दुनिया देख रही है कि बिगड़ी हुई है। हम सब तशवीशनाक हैं क्योंकि सूरत हाल अंदरूनी ठीक नहीं है इंतहा पसंदी है लसानियत है फिर वाराना फसादात हैं और उससे ये ज़रूर लोग महसूस करते हैं और आ, कुछ लोग एम जे अकबर की तरह आ, इस पर ट्राइमफ्रेंट भी हो सकते हैं कि साहब हम आ, हमारे यहाँ इंडिया आ, का नोशन जो है वो इंडियन से आ, बड़ा है लेकिन पाकिस्तान का नोशन जो है वो पाकिस्तानियों से बड़ा नहीं है लेकिन ये मुझे लगता है कि जगराफिया और तारीख़ के बिना पे ये बिल्कुल गलत तासर होगा क्योंकि पाकिस्तान में जितनी यूनिटी की के फीचर्स हैं वो कहीं कदर हिंदुस्तान से ज़्यादा हैं बंगाली हिंदू और तमिल के दरमियान किसी किस्म की मशावरत नहीं है जो है वो कम है बन उसके जो के पाकिस्तानी पखतून और पाकिस्तानी सिंधी के दरमियान है क्योंकि हम सब एक रिवर सिस्टम पे एक सिस्टम पे, पे, सही पे, है। पे सही और सही।, सही वो मैं मैं अकबर साहब को ट्रायम्फेंट नहीं मैं उनके क्रिटिकल क्रिटिकल उनका समझ नहीं, था। नहीं, 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 मैं, मैं, मैं मैं भी मैं मैं एम जे अकबर साहब को पहचानता हूं एम जे अकबर अपने आप को स्कॉलर समझते हैं और कुछ अच्छी वजूहत हैं जिसके लिए वो ऐसे सोचते हैं लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज़ बिगर दैन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन के तमिलनाडु में पहले झंडा भी बना था नेशनल एंथम भी बना था कि हम हिंदुस्तान से अलहदा होना चाहते हैं क्योंकि उस वक्त हम उन्होंने भी उस किस्म की इकतसादी यूनियन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जितनी की अब हो गई है और जिसकी वजह से आज तमिलनाडु ज़्यादा फ़ॉरवर्ड प्रोपोनेंट है इंडियन यूनिटी का देन एंड एनी टाइम इन हिस्ट्री सही देखिए ये ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक यूनिटी क्रिएट करते हैं आप आप नेशन बनने के लिए आप कॉम को स्टेट uh, को नेशन स्टेट तब बनाते हैं जब आपकी जो भी कौमियाती रहती हैं वो सब कहें कि इस नेशन का हिस्सा होना हमारे लिए ज्यादा सूदमंद है ज्यादा सूदमंद है ज़्यादा फ़ायदेमंद है शेख साहब हमारे पास एक मिनट रह गया मैं आखिरी आखिर में ये मीशत के हवाले से कैपिटलिज्म क्योंकि हमारा डॉक्टर ने इस वक्त दुनिया का इट्स इन फैशन सर इसके हवाले से अगर मैं पूछूँ कि ये पीपल टू पीपल ट्रेड अगर इन्होंने एक दफ़ा खोल दी तो ये कुछ आवाम का आपस में रवाबित जो हैं वो खोल दिए बर रास्त खोल दिए ताजरों के रवाबित खोल दिए तो ये कुछ इस तरह नहीं हो जाएगा जिस तरह मुशरफ साहब ने जब मीडिया खोल दी थी और फिर बाद में जाके उन्होंने भुगता था मतलब ये एक ऐसी एक पॉजिटिव अमल कुछ इस तरह होगा कि उसके बाद कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे वापस कि जी आपके चैनल बंद और आपके आपकी रवाबित बंद जब एक दफ़ा इंटरेक्शन खुल गई तो फिर इट कैन ओनली गेट बेटर देखिए देखिए लेट मी टेल यू समथिंग कि आ, आ, और ये ये कोई ये तो कोई खुफिया बात नहीं है ये तो खुली बात है कि जब जब हम जब हमने ये तिजारत की बात शुरू की और कहा कि इस वक्त 2.8 बिलियन की ट्रेड है और उसमें पाकिस्तान का इतना हिस्सा है और हिंदुस्तान डोमिनेंट है हिंदुस्तान का ज़्यादा है तो उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि ये ट्रेड तो सिर्फ एक हिस्सा है बहुत सारी चीज़ें दुबई के ज़रिए आ रही हैं सिंगापुर के ज़रिए आ रही हैं दूसरी दूसरे तरीक़ों से आ रही हैं और, और हमारी तरफ से सरहद पार जा रही हैं स्मगल होकर जा रही हैं ये सब चीज़ें थीं ये जो जो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि ये रवाबित बंद नहीं हो सकते मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस चीज़ को मैं चाचा भतीजा कहता हूँ वो रिश्ता ताजरों में रहा है ये दुबई में रहा है सिंगापुर में रहा है मुंबई और लाहौर में रहा है दिल्ली और लाहौर में रहा है मुंबई और कराची में रहा है और वो ज़रूर इसके बाद उसकी शायद जो इलीगल एलिमेंट्स हैं वो ज़रा कम हो जाए और जो लीगल एलिमेंट्स हैं वो बढ़े और इससे दोनों ममालिक के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो तो नजरुद्दीन शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस कैन गिविंग एस योर टाइम व्यवस आप देख रहे थे अगर पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप को और हमारी लव हेट रिलेशनशिप जिसको नजरुद्दीन शेख साहब ने बयान किया कि एक लव हेट रिलेशनशिप है अगर इसको बेस्ट हम करें तो कुछ इस तरह के जब बैतुलला मसूद से पाकिस्तानी रियात जंग कर रही थी बीच में मुंबई हमलों के बाद इंडिया ने इजहार किया कि जी हम जाके जा के से खुद जाके लोगों को मारेंगे तो बैतुल्ला मसूद दहशत गर्द पाकिस्तान का दुश्मन उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट को पूरी मीडिया ने चलाया कि जी ये भी कह रहा है कि हमारे दुश्मन से अगर हम लड़ने उठे तो तालिबान भी पाकिस्तान के साथ होगी ये भी फिर एक पॉजिटिव अमल हो गया वो लोग जो कि हमारे बच्चों को हमारी औरतों को हमारे बूढ़ों को हमारे मासूमों को मार रहे थे रोड्स पे चौराहों पे वो भी अच्छे हो गए क्योंकि इंडिया आ गया था सामने थैंक यू वेरी मच फॉर पर